बात कर रहा हूँ। तो यंग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं आपके साथ, कैसा रहा इन सबके साथ में शूट करना? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बिकॉज क्योंकि शूट पे जाने से पहले हमारे काफ़ी, हमने सिर्फ 18 दिन में ये फिल्म कंप्लीट की है, तो इस जाहिर है क्योंकि बजट की कंस्ट्रेंट से हम काफ़ी कम बजट में बनाई है, तो हमारा इम्पोर्टेंट ये था कि हम पहले ही कुछ वर्कशॉप्स करें, तो हम सब प्लान थे, मेरे और डीपी सिनेमाटोग्राफर जो है गिरीश कांत, उनकी तरफ से हम लोगों ने काफ़ी ये रिसर्च करके पहले प्री प्रोडक्शन काफ़ी कड़क कर लिया था। तो क्या होता था कि हम जब शूट करते थे तो सबको पता है कि अगला शॉट क्या है, तो एवरीबडी वॉज इन सिंक ऑन द शूट, सो इट वॉज वेरी स्मूथ, इट वॉज वेरी स्मूथ, एक्सेप्ट एक बार शायद बारिश हुआ, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। मेरे ख्याल नहीं, नहीं टॉप 5 में तो हो गए, नहीं मेरे शॉर्ट मूवी भी 18 दिन में, नहीं हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड या कोई रिकॉर्ड की कामना नहीं की थी इस बारे में, हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारे प्रोड्यूसर का पैसा बच जाए, ताकि 18 दिन में होगा तो उनका पैसा बच जाएगा, क्योंकि सब डेब्यू है तो उनका भी बड़ा रिस्क होता है, तो उनका रिस्क कितना कम कर सकते हैं ये हमारा एज अ डायरेक्टर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पर मैं इनकी एक बात को सपोर्ट करना चाहूँगा कि भले ही हमने फिल्म 18 दिन में की हो, भले ही प्रोड्यूसर के पैसे इन्होंने बोले, लेकिन हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा ये डबल द बजट में बनी है। यस, अभी हम आपको ट्रेलर भी अगर दिखाएंगे जब ये भी रेडी होगा तब यू विल फील कि अरे यार ये तो एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, सब ने जी जान लगा दी है। वी यूज़ टू शूट फॉर लाइक प्रॉपर शिफ्ट एंड वी कभी भी ऐसा नहीं कि चलो भागो, हर बार हर फ्रेम हर शॉट प्रकाश के बारे में मैं और एक चीज़ कहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द, इनके ग्रेट क्वालिटी ये है कि इनको हर शॉट पता है, एज फ्रेम में कैसा लगना चाहिए, एज एन एक्टर हाउ यू हैव टू परफॉर्म। तो मेरे और तारा के लिए इतना इजी हो गया क्योंकि वर्कशॉप्स किए थे, और बिफोर गोइंग व्हेन वी शॉट में एंटर करते थे प्रकाश उनको बोल देते थे ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेड है अभी आप करो, तो इनकी क्लैरिटी गजब की है, गजब की है। हम जब वर्कशॉप्स करते थे तब आप बिलीव नहीं करोगे ये जो आप देख रहे हैं ऑफिस के जो, उसमें देयर वर लाइक 60-70 फोटोग्राफ्स के ऑफ द लोकेशन कि ये शॉट में ये करें, ये शॉट ये लोकेशन पे ये शॉट होगा, ये डेट पे ये होगा, इस हर फुल प्लानिंग के साथ हम ये फिल्म में एंटर किए थे, और इस वजह से वी कुड अचीव 18 डेज, एंड एज आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ प्लानिंग एंड हार्ड वर्क एंड नो कॉम्प्रोमाइज।